थोड़ी सी तारीख बताता हूं, क्योंकि हो क्या रहा है हमारे मुआशरे में, हर चार दिन को एक नया आदमी दिखता दुर्ग में, उसको देखा तो इतना खतरनाक, इतना डेंजर रहता। हमारे बच्चे समझते कि इन्हें बहुत अच्छा शरीफ है, उसकी सूरत पे धोखा खा के उसके करीब जाते हैं, उन्हें इतने भयानक बातें करता है, इन्हें अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देता, उसके पीछे पड़ जाता। तो इसीलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, थोड़ा सा तारीख बताता हूं, क्योंकि ये कोई वाहवाह वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको तारीख मालूम हो जाएगी ना, खुदा की कसम जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मगर कभी आप वहाबी नहीं बन सकते हैं, गद्दार अहले बैत नहीं हो सकते हैं, दुश्मनाने अहले बैत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आजकल बास जालिम लोग ये कह रहे हैं कि नौजुबिल्ला इमाम हुसैन करबला में गलती पर थे, फिर देखे तो कलमा पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दाड़ियां भी छोड़ रहे हैं, घट्टे भी मार रहे हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं, फिर पलट के बोल रहे हैं इमाम हुसैन गलती पर थे, और हद तो यह है कि यजीद के नाम का मदरसा भी चला रहे हैं, मदरसे यजीद इब्ने मुआविया, इस तरीके से यजीद के नाम का मदरसा भी चला रहे हैं। इतनी हिम्मत और जुरत हो गई कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं और उसको हक पर जान रहे हैं, इमाम हुसैन को गलती पर खड़ा कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया तो बोले भाई इमाम हुसैन को करबला जाने की क्या जरूरत थी, इसलिए गए क्योंकि इमाम हुसैन को हुकूमत की ख्वाहिश थी, सल्तनत की ख्वाहिश थी, कुर्सी की ख्वाहिश थी, इसलिए इमाम हुसैन करबला को गए और यजीद के मामलात में मुदाखलत किए, इसलिए यजीद ने उनका कत्ल किया। अगर ये नहीं जाते तो ये सब वाकया होता ही नहीं था, जाकर हुसैन गलती करे, नऊज़ु बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि हमारे ये भोले भाले बिल्कुल इनोसेंट नौजवान पूरी जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ते, कभी कोई आलिमों की सोहबत में नहीं बैठते, ऐसे जलसे करे भी तो अच्छे उलमा आए तो पूरे आते, जरा मौलाना साहब जरा कमजोर दिखे तो आधे में से ज्यादा गायब भी हो जाते। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए हमको तारीख नहीं मालूम। अब उन्हें क्या है, हमारे पास सुन्नियों में क्या है, जलसे में दिन की बात होती, मगर उन्हें बाजू वाला क्या करता, पान डब्बे पे ठहरे तो शुरू हो जाता, तरकारी की दुकान पे ठहरा तो शुरू हो जाता, होटल में बैठा तो शुरू हो जाता, चौरस्ते पे ठहरा तो शुरू हो जाता, ऑटो में बैठा तो शुरू, बड़े खतरनाक लोग हैं। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह के वास्ते उलमा की सोहबत इख्तियार करो, हक और नाहक को पहचानो। तो अब इतना बड़ा इल्जाम इमाम हुसैन पर लगाया गया कि मौला हुसैन गलती पर थे, नौज बिल्ला। तो आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इमाम हुसैन करबला क्यों गए, शहादत क्यों हुई, आपको बतलाऊं असल बात बतला रहा हूं, मुद्दा पूरा करबला का ये हुआ क्यों। सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मदीने शरीफ में सहाबा इकराम अहले बैत अथार ताबईयों के बीच में थे और माशाल्लाह बड़ी सुकून के साथ आपकी लाइफ गुजर रही थी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बाद हुकूमत इस्लामी को यजीद ने अपनी जागीर बनाकर उसके ऊपर मुसल्लत हो गया था। अब इसके ऊपर एक बड़े बड़े झगड़े, उसमें हम नहीं जाएंगे। बहरहाल यजीद अपने आप को मुसलमानों का लीडर और अमीर का ऐलान कर चुका और कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुसलमानों का लीडर हूं, मुसलमानों का मैं बादशाह हूं। और उसने यह ऐलान मदीने में रहकर नहीं किया, एक एक लफ्ज पर आप गौर करते चले, मदीने में रहकर यह ऐलान उसने यह ऐलान किया, इराक में बैठकर, मुल्क शाम और इराक को उसने अपना दारुल सल्तनत बनाया, वहां बैठकर यह ऐलान किया दमिश्क से कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, और 18,000 नौजवानों को खरीदा। कितने, जोर से बोले, 18,000 नौजवानों को, पैसे का लालच, औरत का लालच, शराब का लालच, दुनिया का लालच, मकान का लालच, जो जैसा बिकता था उसको वैसा खरीदता चला गया।
अपनी फौज में भर्ती किया, 18,000 नौजवानों की आर्मी फौज तैयार करा और उसके बाद ऐलान कर दिया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं और मैं मुसलमानों का बादशाह, खिलाफत इस्लामी अब मेरे हाथ में है। जैसे यह ऐलान किया, इराक वाले, मुल्क शाम वाले हजरत इमाम हुसैन को लेटर्स लिखना शुरू करे। क्या लिखना शुरू करे? लेटर्स लिखे, लेटर्स लिखे इमाम हुसैन को कि हुजूर अब ये यजीद हमको अमीरुल मोमिनीन मनवाना चाहता है, हमसे अपने आप को अमीरुल मोमिनीन मनवाना चाहता है और कहता है कि हम उसके हाथ पर बैत करें, हम उसको खलीफतुल मोमिनीन माने, हम उसको मुसलमानों का बादशाह तस्लीम करें और इस्लामी दारुल हुकूमत का उसको अमीर और खलीफा तस्लीम करें। और ए इमाम हुसैन, आपके होते हुए हम इस गुनाहगार, बदकार, सियाकार, खताकार, नाजायज काम करने वाले को हम अपना अमीर और अपना हाकिम हरगिज कबूल नहीं करते। बड़ी बात समझा रहा हूं दोस्तों। अब इमाम हुसैन को लोगों ने कहा कि आप तशरीफ लाए, सारे इराक और शाम वाले आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं और यजीद की बैत को हम ठुकरा देंगे, यजीद को हम हर किस अमीरुल मोमिनीन तस्लीम नहीं करेंगे, हम आपको अपना इमाम मानते हैं और आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। इमाम हुसैन को मालूम था ये लेटर्स मिलने के बाद, और वो लेटर्स एक दो नहीं मिले, हजारों हजारों लेटर्स, बल्कि बाज मुअर्रिखीन ने लिखा 1,00,000 से लेकर 1,50,000 तक लेटर्स इमाम हुसैन को मिले। इतने लेटर्स आए इमाम हुसैन के पास यजीद की मुखालिफत में। तो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब ये फितने को खत्म करने के लिए, जो यजीद के नाम का फितना पैदा हुआ, इसको खत्म करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार अक्दस पर तशरीफ लाए और आकर आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए हुसैन का इंतखाब हुआ, यानी कि शहादत का वक्त आ गया। या रसूल अल्लाह, अब हुसैन आपसे जुदा होगा और इंशा अल्लाह अनकरीब महशर में आपसे मुलाकात होगी। यह कहकर इमाम हुसैन दरबार रिसालत से निकले, अपने अफराद खानदान को जमा किए और इराक की तरफ सफर शुरू कर दिए। अब इमाम हुसैन निकले तो साथ में किसको? सहाबा को लेके निकले, जंगजू ताबईयों को लेके निकले, अपने वालिद के जानिसार हजरत अली के चाहने वालों को लेके निकले। जवाब मिला नहीं। इमाम हुसैन किसको लेकर निकले? अपनी अहलिया हजरत शहरबानू को लेकर निकले, अपनी बहन हजरत जैनब को लेकर निकले, अपने भाई अब्बास अलम बरदार को लेकर निकले, अपनी सौतेली मां हजरत उम्मुल बनीन को लेकर निकले, अपने बेटे इमाम जैनुल आबेदीन अली अकबर और 6 माह के अली असगर को लेकर निकले। बाज लोगों ने कहा इमाम हुसैन जंग के इरादे से आए। मैं आपसे पूछता हूं, हक व ईमान से बताओ मुसलमानों, क्या कोई जंग करने के लिए अपने 6 माह के बेटे को लेके जाता? जरा बोलो ना भाई। देखो, अगर आपको भी चौरस्ते पे दुर्ग के दुश्मना घेर लिए, आप क्या करें? अपने दोस्त को कॉल करें, पट्ठे जरा जल्दी आ रहे भाई, इन लोग नए स्विच काम पछान दे रहे मेरा। तो आप क्या करते? जल्दी गए घर में, अपने बेटे को गोद में उठा के गाड़ी स्टार्ट करते। दोस्त की अब मदद करना है तो बेटा गोद में है तो घर में छोड़ते हैं ना, घर में ऐसे बेटे गोद में उठाते। गोद में अगर बेटा भी है तो बेगम को देते, बेगम जरा तुम संभालो, अब भी आ रहा हूं, राइट? नहीं, अगर आपका दोस्त कॉल कर रहा, मैं बहुत मुसीबत में हूं भाई, 3-4 लोग पकड़ लिए, पट्ठों के हाथ में जम्बी खंजर भी है, जरा तू आ जाओ, बोलते क्या? बेगम बोलते, बेगम जल्दी रेडी हो जाओ, दोस्त की मदद को जाना है। ऐसा होता?
मेरे भाई, मदद करने के लिए, जंग करने के लिए, जिहाद करने के लिए कोई भी आदमी साथ में 6 माह के बच्चे को नहीं लेके जाता। जंग करने के लिए कोई भी आदमी अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को लेके, अपनी सौतेली माँ को लेके कोई भी जंग करने नहीं जाता। इमाम हुसैन मदीने से निकले तो जंग के इरादे से नहीं, इमाम हुसैन मदीने से निकले तो कूफा, इराक और शाम वालों के ईमान को बचाने के लिए निकले हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब दूसरी बात सुनो। इमाम हुसैन को मालूम था कि अब बड़ा वक्त संगीन आ गया, अब वक्त शहादत आया है, मैं वहां जाऊंगा, यजीद मेरा बाइकॉट करेगा, यजीद से मुठभेड़ होगी, मेरी शहादत होगी। ये सारा वाकया इमाम हुसैन जानते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन को बचपन से समझाया जा रहा था कि आप शहीद होने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं। कभी जिब्रील खबर दे रहे हैं, कभी रसूल अल्लाह खबर दे रहे हैं, कभी हजरत फातिमा खबर दे रही है, कभी मौला अली खबर दे रहे हैं, कभी खुतबों में खबर मिल रही है, कभी मैदानों में खबर मिल रही है, कभी हजरत अली बयान कर रहे हैं कि बेटा ये वो मैदान है जहां एक दिन तुमको आना है, इस मैदान का नाम करबला है, इसमें तुमको शहीद होना है। ये खबर तो जवानी में दी जा चुकी थी, बचपने में दी जा चुकी थी, जब पैदा हुए थे तो इनके लिए आसमान से हरा लिबास, लाल लिबास उतारा जा चुका था, शहादत वाक़े होने वाली थी। अब इमाम हुसैन को मालूम है कि वक्त शहादत आ गया, जब मालूम है कि वहां शहादत होने वाली है, फिर इमाम हुसैन गए कई को, रुक जाना था, गए क्यों? सुनो, इसलिए गए, इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इराक और शाम वाले मजबूरन यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे, और जब उसको अपना बादशाह तस्लीम करेंगे, वो गुनाहगार बदकार इनको गुनाहों की इजाजत देगा, ये गुनाहों में भी मुलव्वस हो जाएंगे, और बरोज़े महशर रब पूछेगा कि तुम गुनाहगार खताकार क्यों हुए, तो वो कहेंगे ए अल्लाह, हम यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान चुके थे क्योंकि यजीद जालिम बदमाश था और हमको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, और अगर हम नहीं मानते वो हमारी जान ले लेता, लेकिन ए अल्लाह, हम इमाम हुसैन को करबला बुलाए थे, इराक बुलाए थे, मुल्क शाम बुलाए थे, वो अगर आते तो हम यजीद की बैत नहीं करते, हम हुसैन की बैत करते थे, मगर मौला हुसैन नहीं आए थे, हुसैन नहीं आए थे, इसलिए मजबूरन हमें यजीद की बैत करना पड़ा। तो अब इमाम हुसैन ने कहा कि मैं बरोज़े महशर शहीद बनकर तो उठ सकता हूं, मगर ये इल्जाम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हुसैन ने कहा मैं जान दे दूंगा, मगर नाना की उम्मत को दोजख में ले जाने के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा।